Start with the name of Allah who is Rahman and Rahim. Assalamu alaikum viewer, welcome to my YouTube channel Biological Beat. आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन. एनवायरमेंटल पोल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज पोल्यूशन. पोल्यूशन क्या होती है कि पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेमिनेंट्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट कॉज एडवर्स चेंजेस. के जो भी कोई पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो कंटेमिनेंट्स होते हैं, जब वो हमारे एनवायरनमेंट में शामिल हो जाते हैं और उनके फिर क्या होते हैं, आगे से एडवर्स इफेक्ट होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पोल्यूशन कहते हैं. अब एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होती है. एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमारे पास क्या होती है कि वो इफेक्ट जो किसकी वजह से होते हैं, जो हमारे सराउंडिंग में अनडिजायरेबल चेंजेस होते हैं उनकी वजह से जो इफेक्ट होते हैं और उनके हार्मफुल इम्पैक्ट होते हैं प्लांट्स पे, एनिमल्स पे और ह्यूमन बींग्स पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जो हमारे पास सम होता है बायोलॉजिकल और जो फिजिकल कंपोनेंट है हमारे अर्थ सिस्टम के या हमारे एटमोसफियर सिस्टम के, जब वो इफेक्ट होते हैं डिफरेंट कंटेमिनेंट से, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं. अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन की, किस किस तरह की एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो सकती है. एनवायरमेंटल पोल्यूशन में आ जाती हैं जी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन एंड थर्मल पोल्यूशन. आज जो मेनली मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना है वो है एयर पोल्यूशन. सो हम एयर पोल्यूशन को देखते हैं कि एयर पोल्यूशन है क्या. तो जो टॉक्सिक मटेरियल हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन बीइंग पे, उनकी हेल्थ पे, उसके अलावा प्लांट्स पे, एनिमल्स पे इफेक्ट होता है उन टॉक्सिक मटेरियल का, और वो क्या कर देते हैं, हमारे क्लाइमेट को भी डैमेज कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं. यानी कि जो टॉक्सिक मटेरियल हमारे एटमॉस्फेयर को या हमारी एयर को पोल्यूट कर देते हैं और जिसके क्या होते हैं, एडवर्स कंसिक्वेंसेस होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं. एयर पोल्यूशन को एक और तरीके से अगर डिफाइन करें तो एयर पोल्यूशन को कहते हैं कि वो पोल्यूटेंट जो कि क्या होते हैं, ह्यूमन या कह लें मैनकाइंड की जो एक्टिविटी की वजह से हमारी एयर में एंटर होते हैं और इतने उनके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं. अब आगे आ जाते हैं एयर पोल्यूटेंट. तो एयर पोल्यूटेंट क्या होंगे कि वो सब्सटेंस जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होगी, जो ह्यूमन बीइंग को या हमारे इकोसिस्टम को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूटेंट. अब आगे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट. तो जो एयर पोल्यूटेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट. प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट वो एयर पोल्यूटर होते हैं जो कि क्या होते हैं, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे एयर पोल्यूशन के लिए. इसमें क्या क्या आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक गैस है, उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी भी हार्मफुल गैसेस हैं जो कि फैक्ट्रीज वगैरह से, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल प्लांट्स से रिलीज होती हैं, तो ये सारे किसमें आ जाते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट में. नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट. तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं जो कि इंटरेक्शन प्लस जो रिएक्शन होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट के दरमियान, उनके नतीजे में बनते हैं. अब इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं स्मोक यानी कि जो स्मोक और फोग का मिक्सचर होता है, उसके अलावा ओजोन भी आ जाते हैं इसके अंदर, डिफरेंट पार्टिकुलेट मैटर्स भी आ जाते हैं, तो ये सारे किसकी एग्जाम्पल थी, सेकेंडरी पोल्यूटेंट. उसके बाद सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, दो मेजर सोर्स हैं एयर पोल्यूशन के, नेचुरल पोल्यूशन और एंथ्रोपोजेनिक आर्टिफिशियल या मैन मेड सोर्सेज. नेचुरल सोर्सेज जो है, नेचुरल सोर्सेज में
आ जाते हैं जी, ये जो ओशन से साल्ट पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो जाते हैं। उसके अलावा ये जो वोल्केनिक इरप्शन यानी कि जब आतिशविशां यानी कि जब लावा फटता है तो उसकी उसकी वजह से जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं तो गैसेस रिलीज होती हैं। उसके अलावा डस्ट भी जो बर्निंग होती है, बर्निंग ऑफ फ्रेस्ट होती है या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल होती है, उसकी वजह से क्या होता है जो स्मोक वगैरह होती है। अगर नेचुरली देखें तो बर्निंग ऑफ फ्रेस्ट फॉर्मूला लेंगे कि बर्निंग ऑफ फ्रेस्ट फायर जब होती है तो उसकी वजह से भी क्या होता है धुआं रिलीज होता है और उसमें भी डिफरेंट गैसेज होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को हमारी एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं जो विंड ब्लोन डस्ट होती है और पोलन ग्रेन। ये तो थे नेचुरल सोर्सेज। अब आगे आ जाते हैं मैन मेड सोर्सेज की तरफ। तो मैन मेड सोर्सेज में सबसे पहले आ जाते हैं इंडस्ट्रियल एमिशन। बेसिकली जो एयर पोल्यूशन है, इतनी इंक्रीजिंग जो एयर पोल्यूशन है, उसका सबसे बड़ा जो काज है वो यही एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हैं। यानी कि हम इंसान खुद ही इस बात के जिम्मेदार हैं कि हम अपनी अपने एटमोसफेयर को, अपनी एयर को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। तो सोर्सेज में सबसे पहले हम देखते हैं इंडस्ट्रियल एमिशन। अब क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज में डिफरेंट जो भी चीजें बनती हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो क्या होता है हार्मफुल गैसेस इसके नतीजे में रिलीज होती हैं, जो क्या करती है हमारी जो नेचुरल एयर होती है, हमारी सोर्स से भी ज्यादा क्या हमारी नेचुरल एयर को पोल्यूट कर देते हैं। और वो कौन सी गैसेज आप जो इंडस्ट्री से रिलीज होती हैं, उनमें आ जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये कुछ कॉमन पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं। सेकंड पे आ जाते हैं जी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल अगर हम एक मेन काज देखें एयर पोल्यूशन का, तो वो क्या है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाते हैं ऑयल आ जाते हैं, कोल आ जाते हैं, गैसोलीन ऑयल आ जाते हैं, और सबसे के ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो व्हीकल्स वगैरह से जो भी फ्यूल रिलीज होता है, तो इन सब से क्या रिलीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की एक हाई अमाउंट रिलीज होती है, जिससे ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फॉसिल फ्यूल बर्न होता है। तो इससे भी क्या होती है, एयर पोल्यूशन होती है। उसके अलावा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से क्या होते हैं, और भी जो टॉक्सिक पोल्यूटेंट है वो भी एयर में रिलीज होते हैं। थर्ड पे आ जाते हैं विल्ड फायर। विल्ड फायर यानी कि ये जो जंगलात वगैरह में आग लगती है, जिससे क्या होता है कि जो क्लाइमेट में क्या होते हैं, जो चेंजेस आने लग पड़ते हैं। एक तो क्या होता है, इससे टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। सेकंड क्या होता है कि जब विल्ड फायर होती है तो डिफरेंट जो गैसेस होती हैं वो रिलीज होती हैं, यानी कि स्मोक है, वो गैसेस और स्मोक हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और हमारे जो नेचुरल एयर है उसको क्या कर देते हैं, हैवियर कर देते हैं, यानी कि उसको पोल्यूट कर देते हैं। इतने इसके डैमेजिंग इफेक्ट होते हैं कि वहां पे इर्द गिर्द के जो रहने वाले लोग होते हैं उनको उनका सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं इंडोर एयर पोल्यूशन। अब इंडोर ये नहीं कि जरूरी कि हम अब के मतलब के बाहर हैं तो घरों से, या घरों से बाहर है तो हमें उधर ही एयर पोल्यूशन के इसके इम्पैक्ट होंगे, नहीं, या उन्हीं एक्टिविटीज की वजह से एयर पोल्यूशन होगी। लेकिन जब हम क्या आते हैं, हम ऑफिसेज में हों, स्कूल्स में हों, हाउसेज वगैरह में, हाउसेज में हों, तो ये सारा एक इंडोर सिस्टम आ जाता है। अब ये किस वजह से इंडोर पोल्यूशन होती है, जो ये हम टॉक्सिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होती, टेम्परेचर भी अनबैलेंस होता है, नमी का जो ह्यूमिडिटी लेवल होता है, तो इन सारी वजूहात की वजह से क्या होती है, इंडोर एयर पोल्यूशन होती है। इंडोर एयर पोल्यूशन के अगर एक एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करूं तो उसमें क्या आ जाता है, स्मोकिंग ऑफ टोबैको कह लें या स्मोकिंग ऑफ सिगरेट कह लें, अगर हम एक रूम में उसको स्मोक करें। उसके अलावा ये जो पुराने जमाने में क्या होता था कि ये जो लकड़ी के चूल्हे वगैरह यूज किए जाते थे, तो इसकी वजह से भी क्या था, ह्यूमिडिटी लेवल क्या हो जाता था, इंक्रीज हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो ह्यूमन बींग है उनकी जो हेल्थ है उस पर भी ये क्या होता है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है। उसके बाद आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन।
अब क्या होता है कि जो ये व्हीकल पोल्यूशन है, जितने भी हमारे पास ये कार हैं, बसेस हैं, बाइक्स हैं, ये एक बहुत बड़ा काज है एयर पोल्यूशन का, स्पेशली ये जो अर्बन एरियाज हैं। जब एक कार बर्न गैसोलीन आयल बर्न करती है, उसे क्या होते हैं कि जो प्लूटेंट होते हैं वो हमारी एयर में रिलीज होते हैं, जिससे हमारी जो हेल्थ है उस पर बैडली इफेक्ट होता है। इसका इतना इफेक्ट होता है कि जैसे कि कोई एक दिन में 10 सिगरेट स्मोक करे। इन व्हीकल से क्या एमिट होता है, इन व्हीकल से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसके सीरियस इफेक्ट होते हैं हेल्थ के ऊपर। सिक्स पे आ जाता है ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज वेस्ट। ये जो हम घरों का जो ये जो कूड़ा वगैरह है, इसको जब हम क्या करते हैं खुले में, क्या करते हैं हम इसको जला देते हैं, इसकी बर्निंग करते हैं, तो ये भी क्या होते हैं इसके भी इसके इससे भी डिफरेंट गैसेस रिलीज होती है जो हमारे एटमोसफेयर में शामिल हो जाती हैं, और क्या होते हैं इसके पे भी इसके भी बैड इफेक्ट होते हैं ह्यूमन हेल्थ पे, जिसमें क्या क्या आ जाते हैं, कैंसर आ जाता है, लिवर इश्यूज आ जाते हैं, उसके अलावा ब्रीथिंग इश्यूज आ जाते हैं और नर्वस प्रॉब्लम आ जाती हैं। सेवन पे आ जाते हैं जी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में का भी क्या एक सिग्निफिकेंट रोल है एयर पोल्यूशन में। वो कैसे कि जब हम मतलब कि क्या किया जाता है कि जो पेस्टिसाइड्स और जो फर्टिलाइजर्स हैं ये किस लिए स्प्रे किए जाते हैं, फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। लेकिन इनकी जो स्मेल होती है वो क्या होती है, हमारे जो एयर होती है उसमें चली जाती है, और फिर जब ये या ये क्या होते हैं ये मिक्स हो जाते हैं वाटर के साथ और सॉइल के साथ, जिसकी वजह से क्या होती है एयर पोल्यूशन तो होती ही होती है, साथ में क्या होती है वाटर पोल्यूशन भी होती है और लैंड पोल्यूशन भी होती है। और इस तरह की पोल्यूशन ना सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों और पौधों दोनों पे क्या होते हैं इसके असरात मरतब होते हैं। आगे आ जाते हैं माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग क्या होता है, ये जो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो मिनरल्स की जो एक्सट्रैक्शन होती है, जो अंडरग्राउंड मिनरल्स होते हैं, उसके लिए डिफरेंट इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। तो क्या होता है कि जो लॉट्स ऑफ केमिकल और जो गैसेस होती हैं इस एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के दौरान इमिटेड होते हैं। प्लूटेंट ना सिर्फ हमारी एयर को प्लूट करते हैं, बल्कि इससे क्या होते हैं सीरियस डिजीजेस भी जन्म लेती हैं। उसके बाद आ जाते हैं एजिनल एंड न्यूक्लियर वेपन। अब एजिनल क्या होता है, एजिनल होता है कलेक्शन ऑफ वेपन्स या कलेक्शन ऑफ गन्स कहते हैं। तो जो मिलिट्री फोर्स होते हैं वो क्या करते हैं न्यूक्लियर एजिनस और केमिकल वेपन्स को वार्स वगैरह में यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं रिलीज होते हैं, जो कि क्या होते हैं पॉइजनस क्रिएट करते हैं। ये तो हमने सारे पीछे डिस्कस कर ली हैं सोर्सेस। अब जो हमने डिस्कस करना है, जो मैंने आपको बताना है वो क्या है इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो इस इधर कुछ मेजर इफेक्ट्स दिए गए हैं। सबसे पहले आ जाता है इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग पे इसके क्या होते हैं कंटेमिनेशन की वजह से या कंटेमिनेंट्स के इन कंटेमिनेट्स इन एयर की वजह से क्या होते हैं टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं। अब टॉक्सिक इफेक्ट क्या होते हैं, इसमें दो तरह के इफेक्ट हो सकते हैं। इसके क्या हो जाते हैं शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी होते हैं और लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होते हैं। जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं कि वो क्या हो जाते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, और जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं उसको ये ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जो कि सालों तक रहते हैं। जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं उसमें आ जाते हैं वीजिंग आ जाती है, कफिंग आ जाती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज आ जाती हैं, लंग्स और हार्ट हार्ट प्रॉब्लम वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं इसमें आ जाते हैं हमारे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, यानी कि ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक्यूल वगैरह की स्वेलिंग वगैरह। उसके अलावा ये जो हमारे न्यूरोलॉजिकल यानी कि जो जितने भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स आते हैं, कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हार्ट और जो ब्लड वेसल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स और रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर आ जाते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट में आ जाते हैं। एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग ये पता लगाया गया कि 2012 में एयर पोल्यूशन की वजह से तकरीबन 3.7 बिलियन पीपल की डेथ हुई
अराउंड द वर्ल्ड, और ये क्या करते हैं, बैडली इफेक्ट करते हैं एयर पोल्यूशन बच्चों के दिमाग को, यानी कि चिल्ड्रन ब्रेन्स को। सेकंड पे आ जाता है इफेक्ट्स ऑन एनिमल्स। एनिमल्स में अगर एयर पोल्यूशन के हम इफेक्ट को देखें, इस तरह लेंगे कि जो नाइट्रोजन या जो सल्फर है ये वाटर वेपर के साथ क्या होते हैं, जब कंबाइन होते हैं तो ये किसका काज बनते हैं, एसिड रेन का काज बनते हैं। अब वो जो एसिड रेन जब स्ट्रीम में या रिवर्स वगैरह में जाएंगे तो वो जो इक्वेटिक लाइफ है जब उस पानी को लेंगे तो उनका जो लिविंग सिस्टम है वो इससे इफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं कि जो डिफरेंट एक्सटेंसिव अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है जो ओजोन डिप्लीशन की वजह से एनिमल्स की स्किन पर पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, कैंसर होता है। उसके अलावा इसके रिस्पायरेटरी सिस्टम पर भी, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो एनिमल का होता है उस पर भी इफेक्ट होते हैं। आगे आ जाते हैं इफेक्ट्स ऑन प्लांट। अब प्लांट में जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा किसके लिए, किस चीज के लिए होता है, स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, एंटर होती है स्टोमेटा के जरिए और जो ऑक्सीजन होती है वो निकलती है, यानी कि एग्जिट होती है। अब एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है कि जो स्टोमेटा होते हैं गेट क्लोज, जिससे क्या होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाता है। इसकी वजह से क्या होते हैं, जो लीव्स होते हैं वो येलो हो जाते हैं और प्लांट की जो डेवलपमेंट होती है वो स्टॉप हो जाती है। अब आगे आ जाता है इफेक्ट ऑन बिल्डिंग्स। अब इसके अगर बिल्डिंग पे इफेक्ट देखें तो एसिड रेन क्या है, एयर पोल्यूशन, एयर जो पोल्यूटेंट है उसी की वजह से क्या होती है, क्या होती है, एसिड रेन होते हैं और उसके बदले में क्या होते हैं कि जो बिल्डिंग मटेरियल होते हैं उस पर भी इसके क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। साथ ही में जो क्या होते हैं, ये डिकलराइज बिल्डिंग, डिकलराइज हो जाते हैं बिल्डिंग का पेंट्स और रिड्यूस हो जाती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर देखें कि जब हम पीछे मैंने आपसे डिस्कस किया कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्लो डाउन हो जाएगा तो क्या होगा कि डेवलपमेंट पुअर होगी, डेवलपमेंट पुअर होगी तो ये क्या करेगा, क्रॉप्स और ट्रीज क्या होगी, इससे सेवेरली इफेक्टेड होंगे। इस पोल्यूटेंट एयर की वजह से जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब इसकी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, इसके इफेक्ट हो जाएंगे एग्रीकल्चर पे, और क्या होगा कि जो सर्वाइविंग एबिलिटी होती है ट्रीज की और क्रॉप्स की वो क्या है, दिन ब दिन कम होती जा रही है एयर पोल्यूशन की वजह से। इसमें क्यों, क्योंकि जो हार्मफुल या पॉइजनस जो केमिकल होते हैं वो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं प्लांट की ग्रोथ के ऊपर। उसके बाद आ जाते हैं इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पर बात करें तो ये एयर पोल्यूशन बैडली हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही है, जिसमें से जो स्मोक है वो एयर पोल्यूशन की सबसे डेंजरस टाइप है स्मोक, और इकोसिस्टम भी क्या होता है इससे डैमेज होता जा रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस हैं ये क्या कर रही है, हमारे एयर को पोल्यूट कर रही है और ये क्या है, एक खतरा है लिविंग प्लस नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और जो बर्निंग ऑफ कोल होता है ये क्या है, सबसे ज्यादा पहले भी मैंने आपको बताया कि जो मेन कॉज है एयर पोल्यूशन का। उसके बाद आ जाते हैं इफेक्ट ऑन, नहीं सॉरी इधर आ जाए आएगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अब अगर हम देखें तो क्या होता है कि जब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल होती है या इस तरह के होते हैं तो क्या होते हैं, जो गैसेस होती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये क्या होती है, रिलीज होती है, जिससे क्या होता है अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और ये गैसेस क्या करती हैं, ये गैसेस क्या होती हैं, कैच आउट कर लेती हैं हीट एनर्जी को अर्थ एटमोसफेयर में, जिसकी वजह से अर्थ का ग्लोब क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में जो मेन काज है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये कैसे होती है, ये जो बर्निंग होती है कोल की, फ्यूल वगैरह की इन्वायरमेंट। उसके बाद आ जाता है इधर भी क्या आएगा, ओजोन डिप्लीशन सिर्फ आएगा। ओजोन डिप्लीशन क्या होती है, ओजोन डिप्लीशन अगर मैं आपको स्टार्ट से बताऊं कि ओजोन लेयर क्या है, ये एक ऐसी लेयर है जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है,
स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ये नेचुरल गैसेस से मिलकर बनी हुई होती है, ये एक ऐसा एनवेलप होता है जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट हार्मफुल रेडिएशन से जो कि सन की तरफ से आ रही होती हैं। अब क्या होता है कि जो गैसेस हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एसीज वगैरह से रिलीज होती है, रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलती है, और जो हाइड्रोकार्बन होती हैं ये क्या करती हैं, डिप्लीट कर देती हैं ओजोन लेयर को, यानी कि ओजोन होल क्रिएट कर देती हैं। अब इस डिप्लीशन की वजह से क्या होता है कि जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो सूरज से आ रही होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी अर्थ सरफेस पे आती हैं और क्या होते हैं, हमारी स्किन के ऊपर फॉल करती हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये क्या होती हैं, कैंसर काजिंग होती हैं और उसके अदर एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं हेल्थ के ऊपर। अगर अब लास्ट डिकेड की बात करें तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि ओजोन डिप्लीशन, यानी कि जो ओजोन की लेयर है उसकी डिप्लीशन में इजाफा हुआ है, और ज्यादातर जो ओजोन होल्स हैं वो कहाँ पर ऑब्जर्व किए गए, लेयर अबव एंटार्कटिका। इफेक्ट ऑफ स्मोक, अब स्मोक पे एयर पोल्यूशन का अगर हम इफेक्ट देखें तो स्मोक है हमारे पास स्मोक और फोग का एक कम्बिनेशन। अब इसमें क्या होता है कि जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं कंडेंस फॉर्म में वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं फोग के साथ, और इससे क्या होता है, हार्मफुल जो गैसेज होती हैं इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। इससे क्या होता है, जो एनवायरनमेंट एज वेल एज ह्यूमन बीइंग पे इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जिससे क्या होते हैं, फ्लू, कोल्ड, अस्थमा, इरिटेशन टू आईज, लंग कैंसर और इस तरह की जो डिजीजेज हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। लास्ट पे आ जाता है एसिड रेन। एसिड रेन में आज देखें तो एसिड रेन का क्या होता है कि जो कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये क्या होता है, यानी कि वाटर वेपर के साथ जब ये शामिल होते हैं जिसकी वजह से क्या होती हैं, एसिड रेन काज बनते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, डैमेजेस होते हैं प्लांट्स में, एनिमल पे, सॉइल पे और बिल्डिंग वगैरह के ऊपर। जैसे कि मैंने पीछे भी आपको बताया कि एक्वेटिक लाइफ कैसे से डिस्टर्ब होती है, कैसे बिल्डिंग डिक्लोराइज हो जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अब जब इसके इफेक्ट्स के बाद हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी एयर को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं, उसके क्या प्रिकॉशनरी मेजर हम ऐसे करें कि हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें, तो कुछ ऐसे एक्शन हैं जिनको करने से हम एयर पोल्यूशन को टोटली खत्म तो नहीं लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है कि प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार, बाइक्स, गो बाय वॉक इफ पॉसिबल। सेकेंड पे आ जाता है कि जो व्हीकल्स के जो इंजन है, ये जो ओल्ड इंजन है, इनको प्रॉपरली क्या करना चाहिए, ट्यून करना चाहिए। एयर कंडीशनर जिससे क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होती है, उसको इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। उसके बजाय क्या यूज करना चाहिए, फैंस को यूज करना चाहिए। कम से कम एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल किया जाए, स्मोकिंग को जितना हो सके उसको अवॉइड किया जाए। जो ये गैस स्टोव, ये जो घरों में चूल्हे वगैरह होते हैं वो वेल वेंटिलेटेड होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि प्लांट मोर ट्रीज, यानी कि फॉरेस्टेशन करें, रीफॉरेस्टेशन करें, एफॉरेस्टेशन करें। तो क्या होता है, जितने ज्यादा हम ट्रीज लगाएंगे इतने चांसेस होंगे कि हमारी एयर पोल्यूशन रिड्यूस हो। जो रेजिडेंशियल यानी कि जो रिहायशी एरिया हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया से दूर होने चाहिए, कम से कम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना चाहिए। जो फाइन्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए, इम्पोज करना चाहिए उन इंडस्ट्री में जो कि क्या होता है, पोल्यूशन का काज है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कि अवेयरनेस होनी चाहिए इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स पे। जब हम इसके ऊपर अवेयरनेस होगी तो क्या होगा, इस चीज में आसानी होगी कि हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकें। सो गाइज, आई होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।